टीम के पास क्वालिटी मैच टाइम नहीं है ना कॉम्बिनेशन का इतना आइडिया है और ऑफ कोर्स क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है अच्छी बात यह कि उन्होंने पांच मैच जो खेले दस मैच जो खेले उसमें पांच जीते हैं पांच हारे हुए हैं तो ये एक चलें एक बूस्ट होता है टीमों के लिए इस तरह की बिल्कुल लेकिन हम देखें ये दो तीन टीमें हैं नदरलैंड है उसमें नबीबिया है अब इनको आप ये नहीं कह सकते कि एसोसिएट टीम्स हैं और आएंगे और बस आराम से इनके खिलाफ अब और इवन जो यूएस को हमने देखा है उन्होंने सरप्राइज़ किया आयरलैंड की हम बात कर रहे हैं तो आयरलैंड भी अब उस पर है लेकिन देखिए इनके पास एक तो बात यह कि इन पर प्रेशर कम होता है एक समझना है जब ये अगेंस्ट टॉप की टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो इन पे प्रेशर थोड़ा सा कम होता है जो कि ये इनके लिए पॉजिटिव होता है तो ये जब आते हैं तो ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनसे ये अचीव कर लें और दूसरी बात ये होती है कि बाजुकान क्या होता है क्योंकि इनके प्लेयर्स के मुतालिक के इतनी इन्फॉमेशन भी नहीं होती तो आप थोड़ा सा एज अ टॉप प्लेयर आप उनको बहुत लाइट ले रहे होते हो जो कि नहीं लेना चाहिए ये फॉर्मेट उनके लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि अगर आप बाजूक जितने भी हमने न्यूयॉर्क में मैचेस देखे हैं वो टॉस पे थे का और अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो वहाँ भी अगर का टॉस पे आ जाता है बारिश भी आ जाती है तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स होते हैं जो ऐसी टीम्स के लिए बहुत बाजूक पॉजिटिव होते हैं